वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यू लाइंस लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था डॉगरनियर स्ट्राइड्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यू लाइंस लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। पहले पढ़ते हैं इनका कहना क्या था, ठीक है। तो नाम भी देख क्या लिखा, न्यू लाइंस लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, मतलब इन्होंने क्या कहा था, ऑप्टिक्स का मतलब हो गया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज, इन्होंने ऐसा कुछ बताया था जिससे कि ऑक्टेव वर्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो एट्थ एलिमेंट होगा वो आने वाले एट्थ एलिमेंट साथ अपनी प्रॉपर्टी को सिमिलर शो करेगा। मतलब कि पहला एलिमेंट होगा वो एट्थ वाले एलिमेंट साथ अपनी प्रॉपर्टी मैच करेगा, फिर आने वाला एट्थ एलिमेंट जो होगा उसके साथ मैच करेगा। इस तरीके से उन्होंने पेयर बनाए थे कि मतलब हर आठवां एलिमेंट दूसरे के साथ अपनी प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी शो करेगा, ठीक है। इनका कहना क्या है देखते हैं। व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब एलिमेंट को हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट, जो आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, आर रिपीटेटिव ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। जैसे यहाँ पे हम लोग सुनते हैं सारे गामा पाधा निशा, तो यहाँ पे देखो सा आया स्टार्टिंग में, फिर एट्थ टर्म पे क्या आया, सा आया, मतलब सा दोनों बराबर हुआ, ठीक है। मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी। उस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कुछ एलिमेंट अरेंज भी किए थे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पर देखो उनको उनका कहना था कि एट्थ एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो पहला एलिमेंट ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच, छह, सात और ये हो गया आठवां। तो पहला और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। मतलब ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, इनकी भी सिमिलर होगी। इस तरीके से जो पेयर बनाए थे उनकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो एक दूसरे से मैच करेगी, ठीक है। जैसे मतलब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्लोरीन की बात करें और क्लोरीन की बात करें, इनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, आउटर मोस्ट सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगर हम बात करें लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की, आउटर मोस्ट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में आउटर मोस्ट में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज है वो मैच कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं जिनका अप्रोच था वो डॉगरनियर ट्राइड से ज्यादा अच्छा था, ठीक है। लेकिन कई बार इसमें क्वेश्चन पूछते हैं क्या डॉगरनियर ट्राइड्स जो थे, जितने भी एलिमेंट उन्होंने बताया थे, जितने भी एलिमेंट्स का ट्राइड बनाया था, क्या इसके अंदर फिट होते हैं। बिल्कुल फिट होते हैं। याद रखने वाली बात कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का जो रूल था उसमें जो है डॉगरनियर के ट्राइड्स फिट होते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखो उन्होंने काफी अच्छा पूछा, लेकिन उनका जो बेसिस था याद रखना वो एटॉमिक मास को लेकर के था, ठीक है। इसी कारण ये गड़बड़ हो गए थे और इनका जो रूल था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था। कहां तक फॉलो होता था, कैल्शियम तक ही इनका रूल फॉलो हो रहा था, उसके बाद इनका रूल फॉलो नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी गलती इन क्या थी, मींस लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने फिक्स कर दिया कि फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट, 56 एलिमेंट ही डिस्कवर होंगे, उसके ऊपर एलिमेंट नहीं डिस्कवर होंगे। तो बाउंडेशन उन्होंने लगा दिया था। यहां पर उनका फेलियर का कारण क्या था, उन्होंने बता दिया था 56 ही एलिमेंट होंगे और डिस्कवर होंगे उस समय नेचर में, ठीक है। और उनके जो रूल था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो होता था, लेकिन नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक और रूल उनका गड़बड़ था, खैर हमने पूरा यहाँ पे बनाया नहीं है, जिनका और एक रूल उन्होंने क्या किया था, दो एलिमेंट को एक साथ रख दिया था, ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलर प्रॉपर्टी, सब कुछ सेम नहीं हो सकता है, प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है लेकिन सेम नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट को एक साथ रख दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं था। तो ये था कुछ लिमिटेशन न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पर। याद क्या रखना हम लोग को कि न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में पहला वाला एलिमेंट और आठवें वाले एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी को सिमिलर शो करता है, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर मतलब एक जैसी होती है, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। और एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं, सा रे गा मा पा धनीसा, ठीक है। तो जो सारा सा से मैच कर रहा है, इस तरीके से उनका पेयर बना था एलिमेंट्स का। ये था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और उसकी लिमिटेशंस।